नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एडुटेरिया का करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका एक करंट अफेयर नवंबर 2021 से लेके नवंबर 2022 तक का इसमें दिया गया। और इस किताब से हम पढ़ने जा रहे हैं आज का टॉपिक, वही आपका 94th ऑस्कर अवार्ड 2022, आपका 94वां ऑस्कर अवार्ड जो कि आपका लॉस एंजलिस में हुआ था, उसमें किसको अवार्ड मिला, कौन से मूवी को मिला। ठीक है, तो पहला आपका है बेस्ट फिल्म, तो आपका बेस्ट फिल्म क्या था, कोडा था, तो बेस्ट फिल्म आपका कोडा है। बेस्ट एक्टर कौन थे, तो बेस्ट एक्टर आपका विलियम स्मिथ, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चैस्टियन, तो बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चैस्टियन, एंड बेस्ट डायरेक्टर आपका जेन चैंपियन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट 94th ऑस्कर अवार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है फैक्ट है, जो कि आपको एग्जाम में पूछता है, मेनली इसी से पूछता है। एक और भी अवार्ड मिलते हैं लेकिन मेनली इसी से पूछता है। ठीक है, तो आपका 94th ऑस्कर अवार्ड कहाँ हुआ था, आपका लॉस एंजलिस में 2022 में। ठीक है, बेस्ट फिल्म कोडा है और इनके डायरेक्टर थे सीन हेदर। ठीक है, तो कोडा फिल्म के डायरेक्टर है सीन हेदर और बेस्ट एक्टर विलियम स्मिथ और इनको किंग रिचर्ड के लिए मिला है। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चैस्टन द आई ऑफ टैमी फे, तो द आई ऑफ टैमी फे के लिए मिला जेसिका चैस्टन को। बेस्ट डायरेक्टर जैन चैंपियन द पावर ऑफ डॉग के लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का खिताब मिला है। ठीक है, तो बेस्ट डायरेक्टर कौन आपके बने, जैन चैंपियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए। ठीक है, तो आपके जो कोडा है इन्हें मिला बेस्ट फिल्म, कोडा को बेस्ट फिल्म का अवार्ड, विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड, जेसिका चैस्टन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड और जेन चैंपियन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करेंगे, इसके बाद चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो 94th ऑस्कर अवार्ड 2022 हेल्ड इन लॉस एंजलिस, बेस्ट फिल्म कोडा, डायरेक्टर सीन हेदर, बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, मूवी आपका था किंग रिचर्ड, बेस्ट एक्टर जेसिका चैस्टन, मूवी का नाम द आई ऑफ टैमी आई फे के लिए, टैमी फे के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर जो है आपके जेन चैंपियन, मूवी आपका था द पावर ऑफ डॉग के लिए। ठीक है, तो ये आपका 94th ऑस्कर अवार्ड था, इसको हमने पढ़ा। कल पढ़ेंगे हमारा 29th गोल्डन ग्लोब अवार्ड और आपका 75th बाफ्टा अवार्ड 2022 के लिए। ठीक है, कल हमारा यही टॉपिक होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।